किया है कि अगली सरकार योगी जी की होगी उसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त बिजली। हमने तय किया है कि दिवाली और होली जैसा मैंने बताया मुफ्त में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे और बहनों के लिए पढ़ने के लिए उनको स्कूटी और मोपेड दिया जाएगा और नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा ताकि वो पढ़ाई में आगे बढ़े। मित्रों आप बताओ योगी जी ने ये माफिया राज समाप्त किया कि नहीं किया, गुंडा राज समाप्त किया कि नहीं किया, ये देशद्रोहियों को जेल के अंदर डाला कि नहीं डाला। मित्रों हम लोगों ने तय किया है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बनेगा। कहां बनेगा? एक बनेगा देवबंद में, एक बनेगा मेरठ में, एक बनेगा रामपुर में, एक बनेगा आजमगढ़ में, एक बनेगा कानपुर में, एक बनेगा बहराइच में। यानी देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचेगा, ये बात आपको कहना है। एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर इन सब जगहों पर बनेगा, देवबंद से लेकर बहराइच तक। और आप बताइए 5 साल पहले यही आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था, दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था, ये मुख्तार अंसारी दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था, दंदनाता था कि नहीं, ये अतीक अहमद दंदनाता था कि नहीं। और पिछले 5 साल से, आज पिछले 5 साल से ये तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा। आखिर देखो इनका दोष और इनका क्राइम बराबर था। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था तो ये दंदनाते थे, कानून वही था और कानून को तोड़ने वाला भी वही था और आंखों में पट्टी डाल करके अखिलेश भी मुख्यमंत्री वही था। और जब योगी मुख्यमंत्री बने तो ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेलने लग गए। ये आप बताइए अखिलेश जी के जमाने में 200 दंगे हुए कि नहीं हुए, 200 दंगे हुए कि नहीं हुए, मुजफ्फरपुर नगर का दंगा हुआ कि नहीं हुआ, और पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आप बताइए मुजफ्फरनगर में 93 लोगों की जाने गई थी कि नहीं गई थी, आप बताइए 5,000 परिवार पलायन किए थे कि नहीं किए थे, कैराना में 60 परिवार पलायन कर गए थे कि नहीं कर गए थे, अब ये सब अखिलेश के जमाने में पलायन कर गए और योगी जी के जमाने में वापस आकर के फिर से बस गए। ये है अंतर, फर्क साफ है, फर्क साफ है। सोच ईमानदार है, नेता दमदार है और नेता असरदार है। इसीलिए मित्रों जब मैं आपसे इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं तो मैं आपके सामने और मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि मेरी बात को नोट कर लेना और जब अखिलेश जी आएंगे तो उनसे पूछना। आजकल टीवी में चला हुआ है आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। बोलो आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है, आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है। मैं आपके सामने कुछ विषयों को रखना चाहता हूं। पहला मैं मीडिया के साथी को चाहूंगा कि नोट कर लें, 23 नवंबर 2007 को, 23 नवंबर 2007 अयोध्या की कचहरी में, लखनऊ की कचहरी में और वाराणसी के कचहरी में एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, 15 लोग मारे गए थे,
95 लोग घायल हुए। इसका जिम्मेवारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी और इंडियन मुजाहिदीन ने कहा था कि हमने दशाश्वमेध घाट पर भी बमबारी की थी, हमने श्रमजीवी ट्रेन में भी बम ब्लास्ट किया था, हमने नई दिल्ली के सरोजनी नगर गोविंदपुरी और पहाड़गंज में भी बम ब्लास्ट किया था, हमने वाराणसी के संकट मोचन में भी बम ब्लास्ट किया था और हमने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी बम ब्लास्ट किया था।